फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयस फैमिली किचन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ नमकीन, जिसे चूड़ा कहते हैं, और ये हमेशा दिवाली के फेस्टिवल में सब बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर बड़ा भगोना ले लिया है, पतीला जिसे कहते हैं, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम तड़के में डालेंगे 2 टेबलस्पून राई, जिसे सरसों भी कहा जाता है। अब इसे अच्छे से हम चटकने देंगे और जैसे ही हमारा राई चटक जाएगा उसमें ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर मैंने लिया है कड़ी पत्ता, हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उतनी हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तड़के में मैंने ऐड कर दिया है कड़ी पत्ता, करी लीफ जिसे कहा जाता है, और ये हरी मिर्च। अब इसे हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मूंगफली। मूंगफली आप जितना भी इसमें ऐड करेंगे बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा नमकीन का। ये देखिए हमारे मूंगफली जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर दूंगी, जिससे कलर ही बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और नमक ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है चूड़ा। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए मिक्स हो चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है हमारे चूड़ा का, नमकीन का। अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर इसलिए ऐड करते हैं, थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा मीठा, बहुत ही चटपटा लगता है इस तरह से जो है नमकीन। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये मक्का पोहा, इसे हम ऑयल में फ्राई किए थे। इसे नमकीन में डालने में बहुत ही बढ़िया, इसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है, काफ़ी क्रिस्पी होता है, ये आसानी से बहुत ही मार्केट में मिल जाता है। इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम चूड़े में ऐड कर देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चूड़ा जो है हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बना है चूड़ा। आप लोग को अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे महीनों महीने तक स्टोर करके इसे रख सकते हैं। थैंक यू।